हेलो उस्तर, कैसे हो आप सब लोग। सो इसी है आपके सामने बजाज सिटी 110X जो कि हाल ही में लॉन्च की है। लगभग एक से दो दिन ही हुए हैं इसको लॉन्च किए हुए। इसकी जो प्राइस है वो है लगभग 54,500 रुपीज़ के करीब, जो इसकी एक्सशोरूम प्राइस है। एंड ऑन रोड जो है लगभग आपको 64-65 के करीब मिलेगी, जो कि अभी एग्जैक्ट प्राइस नहीं निकल गया। जैसे एग्जैक्ट प्राइस निकल गया है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। सो इस यहाँ पे जो है इसमें कुछ ये जो है एसेसरीज वगैरह भी लगाई गई है, जो कि कल वाली वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाई। जैसे कि लेग गार्ड वगैरह, पीछे जो है सारी गार्ड भी लगाया है, तो वो जो है मैं नहीं दिखा पाया था बिकॉज काफ़ी जल्दी में था और एक जो है क्विक अपडेट आपको देना था इस बाइक का। लेकिन आज जो है एक फुल पूरा वॉकराउंड आपको दिखाऊंगा, उसके बाद राइड रिव्यू करेंगे, उसके बाद जो है माइलेज टेस्ट। सो उसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी वीडियोज़ जो है देखने को मिल जाए। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फ्रंट से फ्रंट में जो आपको हेलोजन हेडलाइट मिलेगी, इसका जो लुक्स है वो कुछ ऐसा है जैसे आपकी बॉक्सर आती थी 150, तो बॉक्सर 150 जैसा जो है दिखने में है ये। एंड यहाँ पे जो 110cc के इंजन के साथ में आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा क्यों बनाएगी, क्यों नहीं बनाएगी, उसके लिए यार देखो कंपनी ने तो कोई अभी तक रीज़न दिया नहीं है स्पेसिफिक। लेकिन मैं आपको बता दूँ इसमें जो है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी यदि आप एक डिलीवरी बॉय हो या फिर जो है आपका दूधिया वगैरह का काम है, जैसे आपको ड्रम वगैरह साइड में लटकाने हैं, तो उनके लिए जो है काफ़ी परफेक्ट मशीन है बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है आपको स्पेस दी जाती है, काफ़ी अच्छी जो है साइड में लगेज वगैरह के लिए जो है पूरी मतलब जो है दी गई है यहाँ पे फिटिंग वगैरह, तो आप जो है ईजिली यहाँ पर अपना कॉमर्शियल काम जो है यहाँ पर कर सकते हो। उसके अलावा फ्रंट में जो है काफ़ी हैवी आपको लेग गार्ड मिल जाता है, उसके ऊपर जो है रबड़ वगैरह वो आपको दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे फ्रंट पे स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में जो है DRL मिल जाती है ब्लैक कलर का, पूरा जो है आपको वाइजर मिलेगा। उसके अलावा जो है पूरा नीचे फेस राउंड मिलेगा। फ्रंट में जो आपको जाली टाइप भी मिलेंगे, यहाँ पे दो जो है जाली सी मिल जाती है। यहाँ पर जिससे लुक थोड़ा सा और मस्कुलर सा लगता है। और नीचे जो आप चेक कर सकते हो सस्पेंशन में आपको यहाँ पे रबड़ का यूज़ देखने मिलेगा, जो कि नॉर्मल 110 में आपको नहीं मिलता है। पूरा जो मडगार्ड है वो जो है प्लास्टिक में मिलेगा। कुछ लोग बोल रहे थे इसकी क्वालिटी कैसी है, तो यहाँ पे जो है सही है क्वालिटी, मतलब ज़्यादा बेस्ट भी नहीं बोलूँगा, यहाँ पे जो आपको एवरेज क्वालिटी मिल जाती है। यहाँ पे सॉफ्ट प्लास्टिक है, ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक जो है यूज़ नहीं किया गया है। उसके अलावा जो है यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंसन, यूरो ग्रिप के जो है यहाँ पर आपको टायर्स देखने मिलेंगे जो कि थोड़ी सी ऑफ रोडिंग टाइप है। एंड यहाँ पर जो है ब्लैक कलर में आपको अलॉय व्हील मिल जाता है। और अभी चलते हैं इस सेंटर में। तो सेंटर में आपको बता दूं यहाँ पे जो है आपको लेग गार्ड मिल जाता है जिसमें रबड़ का यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी मस्कुलर लगता है, काफ़ी देखने में हैवी सा लग रहा है। उसके अलावा जो है नीचे इंजन की केसिंग दी गई है पूरी, जो कि काफ़ी अच्छा एक लुक दे रही है नीचे से। ब्लैक कलर में पूरा इंजन 110cc का, वही इंजन जो आपको सिटी 110 में मिलता आ रहा है, वही सेम इंजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर जो है फुल डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी सिटी 110 पर भी कर रखी है, जाके आप चेक कर सकते हो। नीचे जो है फुटरेस्ट वगैरह ब्रेक वगैरह रही है, यहाँ पे जो है किक भी आपको देखने मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। जो टैंक है वो जो है पूरे एक नए लुक में आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे जो साइड पैड्स आपको देखने मिलेंगे ताकि जो है टैंक की जो हीट है वो आपको फील ना हो, तो यहाँ पे जो है ये भी आपको मिल जाती है। उसके अलावा सीटी जो है यहाँ पे ग्राफिक्स भी देखने मिलेगा, ये जो ब्लू एंड जो है ब्लैक कलर है, तो इसके जो और भी कलर्स है वो भी जो जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा। बाकी यहाँ पे जो सिटी 110X की जो है आपको बैजिंग देखने मिल जाएगी, स्टिकिंग देखने मिल जाएगी। साइड पैनल जो है अच्छा खासा दिख रहा है देखने में। उसके अलावा रियर में जो है आपको सस्पेंशन मिल जाता है, स्प्रिंग सस्पेंशन, ये जो है इधर भी आपको एक फुटरेस्ट देखने मिल जाता है पूरा। नीचे जो है आप पूरा एग्जॉस्ट चेक कर सकते हो, सिल्वर कलर जो है यहाँ पे प्लेट मिलेगी। एंड देखने में जो है ये भी ठीक ठाक लग रहा है, जो पहले आपको मिलता था वैसा ही जो है आप लग मिलेगा, लेकिन ये जो प्लेट है ये जो है चेंज कर दी गई है इसके डिज़ाइन के हिसाब से। पीछे जो है आपको फुटरेस्ट मिल जाता है पीछे की साइड में। उसके अलावा जो है रियर में भी चलूँ तो यहाँ पर जो है अगेन प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, आप चेक कर सकते हो, थोड़ा सा और अच्छा जो है लुक यहाँ पर निकल आते हैं। सीट के बारे में बात करूँ तो सिंगल सीट मिलती है यहाँ पे, जो डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे जो थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन है, जो कुशनिंग वगैरह वो भी जो है काफ़ी सॉफ्ट दी है, तो यहाँ पे कंफर्ट आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। रियर की साइड में भी आपको यूरो ग्रिप का टायर्स देखने मिलेगा, और जो डिज़ाइन है वो जो है पीछे भी सेम है, टायर साइज भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। पीछे की साइड में जो आपको पूरा प्लास्टिक का जो है मडगार्ड देखने मिलेगा, पूरा फ्रंट से वो जो है रियर तक पूरा जो है प्लास्टिक का ही देखने मिलेगा, जिसकी ऑल्सो क्वालिटी जो है ठीक ठाक दी गई। यहाँ पे टेललाइट जो आपको हेलोजन देखने मिलेगी, हेलोजन इंडिकेटर्स देखने मिलेंगे, यहाँ पे जो है नंबर प्लेट की प्लेसिंग दी गई है, यहाँ पे नंबर प्लेट प्लेस कर पाओगे। पीछे जो है रिफ्लेक्टर आपको देखने मिल जाता है, यह कुछ इसका इस साइड का राइट साइड का व्यू दूर से आप देख सकते हो एक बार। साइड में मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको अगेन सारी गार्ड वगैरह मिल जाता है काफ़ी लंबा सारा, तो यहाँ पे जो है ये भी काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। उसके अलावा जो है अगेन आपको स्प्रिंग सस्पेंशन मिल जाते हैं, एंड सेम जो है पैनल इस साइड में आपको देखने मिलेगा। एंड यहाँ पे जो आप चेक कर पा रहे हैं वाइट कलर की जो है स्टिचिंग दी गई, जो कि इसकी जो है क्वालिटी को और ज़्यादा प्रीमियम बनाती है। एंड यहाँ पर जो है आप चेक कर सकते हो सेम लेग गार्ड। इसके अलावा जो है यहाँ पर कार्बोरेटर आप चेक कर पाओगे, यहाँ पर जो है कार्बोरेटर आपको मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर ताकि माइलेज आपको ज़्यादा मिले। इंजन जो आप चेक कर सकते हो पूरा 110cc का अपना। एंड जो गेयर से वो यहाँ पे जो है फोर स्पीड आपको गेयर बॉक्स मिल जाता है।
सेंटर स्टैंड साइड स्टैंड दोनों जो है यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे। ये पूरा जो है चेन कवर होने वाला ब्लैक कलर में, तो यहाँ पे जो है ब्लैक ब्लैक पूरा इसके कंपोनेंट्स वगैरह, तो ब्लैक कलर का जो है ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया गया है। फ्रंट पे जो आपको कम्बिनेशन वाला जो है ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा CBS, तो यहाँ पे जो आपको ब्रेकिंग सिस्टम भी ठीक ठाक मिल जाएगा। ड्रम ब्रेक है, डिस्क वगैरह नहीं है, लेकिन 110 में भी जो है डिस्क आपको मिल सकता है CT 110 में, बिकॉज प्लेटिना में आपको मिला एंड उसके बाद ABS भी मिला, तो शायद क्या पता फ्यूचर में आपको यहाँ पे ABS या फिर जो है डिस्क ब्रेक देखने मिले, लेकिन अभी जो है आपको नहीं मिलता है। अभी चलते इसके सेंटर कंसोल पे एंड सेंटर कंसोल में देखते हैं कि सेंटर कंसोल में आपको क्या कुछ मिलता है। उससे पहले आपको की दिखा देता हूँ। नॉर्मल जो है की मिलती है आपको बजाज की, आप देखते आ रहे हैं हमेशा से। पल्सर में जो की मिलती थी वो जो है यहाँ पे आपको देखने मिलती है। यहाँ पे जो है आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है 120 तक की मार्किंग है। यहाँ पे ऑडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पे जो है न्यूट्रल, यहाँ पे मॉल फंक्शन लाइट एंड जो है यहाँ पे पूरा आपको फ्यूल मीटर मिल जाएगा। तो पूरा जो है एनालॉग में आपको जो है मीटर कंसोल मिलेगा। यहाँ पे जो है रबर का यूज़ किया गया है, इस पर कंट्रोल्स वगैरह वही सारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है फ्लैश का, यहाँ पे हाई बीम लो बीम, इंडिकेटर्स का एंड जो है हॉर्न आपको सुना देता हूँ। ये जो सिंगल हॉर्न आपको इसमें मिल जाता है। इधर जो है आपको लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, हेडलाइट का। उसके अलावा जो नीचे आपको सेल्फ का बटन मिल जाता है। बाकी मिरर्स जो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो है रबड़ का यूज़ किया गया है, जो कि आपको NS वगैरह में जो है प्रीमियम बाइक्स में देखने मिलता है, वो जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जो है देखने में काफ़ी मस्कुलर जो है बाइक लग रही है और देखने में काफ़ी अच्छी भी लग रही है। इसका ओवरऑल जो है एक लुक आपको दे देता हूँ।